साथियों, आज हमारी सफलता से दुनिया चकित है। आज पूरा विश्व हमें इसके लिए पुरस्कृत कर रहा है, सम्मान दे रहा है। 60 करोड़ से अधिक आबादी को टॉयलेट की सुविधा देना, 11 करोड़ से ज्यादा शौचालयों का निर्माण, ये सुनकर विश्व अचंभित है। लेकिन मेरे लिए किसी भी आंकड़े, किसी भी प्रशंसा, किसी भी सम्मान से बड़ा संतोष तब होता है जब मैं बच्चियों को बिना किसी चिंता के स्कूल जाते देखता हूं। मुझे संतोष इस बात का है कि करोड़ों माताएं बहनें अब एक असहनीय पीड़ा से, अंधेरे के इंतजार से मुक्त हुई है। मुझे संतोष इस बात का है कि उन लाखों मासूमों का जीवन अब बच रहा है जो भीषण बीमारियों की चपेट में आकर हमें छोड़ जाते थे। मुझे संतोष इस बात का है कि स्वच्छता की वजह से गरीब का इलाज पर होने वाला खर्च अब कम हुआ है। मुझे संतोष इस बात का है कि इस अभियान ने ग्रामीण इलाकों, आदिवासी अंचलों में लोगों को रोजगार के नए अवसर दिए। बहनों को भी, पहले हमारे यहां शब्द हुआ करता था राजमिस्त्री, बहनों को भी रानी मिस्त्री बनाकर काम करने के मौके दिए। भाइयों और बहनों, स्वच्छ भारत अभियान जीवन रक्षक भी सिद्ध हो रहा है और जीवन स्तर को ऊपर उठाने का काम भी कर रहा है। यूनिसेफ के एक अनुमान के अनुसार बीते 5 वर्षों में स्वच्छ भारत से भारत की अर्थव्यवस्था पर 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक का सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इससे 75 लाख से अधिक रोजगार के अवसर भारत में बने हैं, जिनमें से अधिकतर गांवों के बहन भाइयों को मिले हैं। इतना ही नहीं, इससे बच्चों की शिक्षा के स्तर पर, हमारी प्रोडक्टिविटी पर, उद्यमशीलता पर सकारात्मक असर पड़ा है। इससे देश में बेटियों और बहनों की सुरक्षा और सशक्तिकरण की स्थिति में अद्भुत बदलाव आया है। गांव, गरीब और महिलाओं के स्वावलंबन और सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करने वाला ऐसा ही मॉडल तो पूज्य महात्मा गांधी चाहते थे। यही महात्मा गांधी जी ने स्वराज के मूल में था, इसी के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया।